जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों ने जो है टेस्ट स्पीड टेस्ट 6 पढ़ लिए हैं और जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास WhatsApp आए हुए हैं और करीब जो है 10 दिन से बच्चों ने जो है कुछ क्वेश्चन हमें जो है भेजे थे, जो उनको प्रॉब्लम थी वो क्वेश्चन जो है आज हमने एक PDF बना लिया है और उन क्वेश्चन को आप लोगों को स्पीड टेस्ट नंबर 7 में दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चों ने जो है पूछा है सवाल, उन क्वेश्चन का जो है कलेक्शन करके और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से हमने जोड़ दिया इसमें और आप सभी लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं। और ये केवल हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हम उनको टर्मिनोलॉजी बता देंगे और जो है थोड़ा सा मैनेज करेंगे वो इस वीडियो को देखकर, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल जो है हिंदी मीडियम के हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, जो क्वेश्चन उन्होंने भेजा था, जो क्वेश्चन उनको नहीं आए थे, उन क्वेश्चन को हमने ले लिया और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि वो परेशान ना हो, ठीक है, उनको जो है हम टर्म यहाँ पर बता देंगे और वो जो है समझ में उनको आएगा। प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी थी कि आप सभी लोग जो है लगातार हमसे जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग जो है टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा आप लोग जो है थोड़ा सा ये करना है कि जो भी वीडियो यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस चैनल में, इस YouTube परिवार में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि कई बच्चे जो है कमेंट करते हैं, सर हमको जो है आज पता चला, कोई कहता दो दिन पहले पता चला मुझे, जो है वो WhatsApp करके बताते हैं कि जो है आपके चैनल के बारे में पता नहीं चल पाया। तो बच्चों, जो है 5000 से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ चुके हो, ये जो YouTube परिवार है इस परिवार में जो है 5000 से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर आप लोग एक एक शेयर करते हैं तो कम से कम 5000 लोग और जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो टोटल 10000 हो जाएंगे। बट बच्चों, जो है आप लोग हमें लगता है कि जो है शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी बहुत कम बच्चे करते हैं वीडियो को, तो लाइक भी कर दिया करिए। वीडियो तो आप देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और जो है कुछ ही बच्चे लाइक करते हैं। तो आज हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है, जिससे कि जो है हम कुछ नया सोच सकें आप लोगों के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो उतना ही जो है हमको जो है मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे इतने जुड़े हैं और जो है काफ़ी लोग हमें जान रहे हैं, यूपी से बाहर के लोग भी जान रहे हैं और सब हमारी बात को समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा और अंदर थोड़ा सा जो है एनर्जी आती है। तो आप सभी लोग आज जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो बच्चे जो है नए जो है वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है लाइक भी करें। तो आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टर्मिनोलॉजी हम आपको बता देंगे। देखिएगा जो है क्वेश्चन नंबर जो पहला है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में देखिए, हम इंग्लिश में बता दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है इलेक्ट्रॉन का जो है पाथ कैसा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन दिया गया इलेप्टिकल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हेलिकल और चौथा ऑप्शन दिया गया पैराबोलिक। तो प्यारे बच्चों, जब जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो पैराबोलिक होती, परवलयाकार। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है डी सही है। इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, ये ए है, बी है, सी है, तो ये डी, ये ऑप्शन सही होगा, पैराबोलिक, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 4 mF लिखा है, mF का मतलब यहाँ पर जो है आप समझिएगा, ये माइक्रोफेरेड है, ऐसे लिखा होना चाहिए 4μF, ठीक है। 4 माइक्रोफेरेड जो है कैपेसिटी का कोई कैपेसिटर है, 400 वोल्ट तक उसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। इनकी प्लेटों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पूछा गया है। तो जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं ध्यान से समझ लें, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी गिवन है, जितने वोल्ट तक चार्ज किया जाता वो भी दिया गया है, और इनकी प्लेटों को एक वायर से कनेक्ट किया जाता है, कंडक्टिंग वायर से। तो कितनी हीट जनरेट होगी वो हमको बताना है, जितनी एनर्जी यहाँ स्टोर होगी उतनी ही हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए, इसके बाद जो है हम सोल्यूशन भी बता रहे हैं साथ में, फिर आप चेक करिए। तो देखो बच्चों जो है यूज इक्वल टू होता है हाफ सी बी स्क्वायर, यूज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 सी का मान 4 माइक्रोफेरेट, 4×10⁻⁶ वी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 400 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16×10⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कट करें तो ये 2 आएगा, 16×2 = 32 हो जाएगा, 32×10⁻²² हो जाएगा, इस तरीके से 0.32 जितनी एनर्जी जो है स्टोर रही होगी उतना ही दोनों प्लेटों को जोड़ने के बाद उतनी ही हीट जनरेट होगी, इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट होगा 0.32 जूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल, बर्नौली का प्रमेय लागू होता है। पहला ऑप्शन है आइडियल लिक्विड के लिए फॉर स्टीम लाइन फ्लो, आइडियल लिक्विड फॉर स्टीम लाइन फ्लो। दूसरा है आइडियल लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के लिए, रियल लिक्विड के लिए जो है स्टीम लाइन फ्लो के लिए, और पूछा गया किसी भी टाइप के लिक्विड के लिए, किसी भी टाइप के फ्लो के लिए। तो आप लोग सबसे पहले टिक करिए, इसके बाद हम ऑप्शन बता रहे हैं इनका, इसका आंसर क्या है। देखो जो बर्नौलीज थ्योरम होता ना, ये आइडियल लिक्विड आदर्श द्रव पहली बात होना चाहिए, दूसरा जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, आदर्श द्रव के लिए धारा रेखीय प्रवाह, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर्थ्य की यूनिट पूछी गई, जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट नोट कर लें, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर सामर्थ्य का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर पी बराबर, अब आप लोग पहले करिए इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले आप अपना आंसर नोट कर लीजिए कॉपी में। पी बराबर होता है W/T, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, ठीक है, ये जूल पर सेकेंड होगा, या इसी को क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं, वाट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा गया है, किस टाइप का होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिवली चार्ज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग पहले टिक करिए। एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात की गई है, तो हमने बताया भी था चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतता वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं समझ लें, 2 पॉइंट चार्ज हैं, पहले वो एयर में रखे जाते हैं और फिर उतनी ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखे जाते हैं जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात, जब एयर में रखे गए थे तो एफ नॉट फोर्स लग रहा था, जब उनको किसी मीडियम में रख दिया गया तो एफ एम फोर्स लग रहा, ठीक है। तो एफ नॉट अपान एफ एम हमको बताना है, तो देखिएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एफ नॉट अपान के, तो अगर हम लोग यहाँ से एफ नॉट अपान एफ एम कैलकुलेट करेंगे तो के आ जाएगा, इसको के बाई वन कह सकते हैं, एफ नॉट बाई एफ एम बराबर के बाई वन हो जाएगा,
ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन के अनुपात 1, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है केस टू टू, यहाँ केस टू थ्री लिख लीजिए, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यादुत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो बच्चों एक्स रेज को तो डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन को जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, और जो है गामा किरण को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ये ए कणों का मतलब होता है अल्फा कण, अल्फा कणों, ये अल्फा कणों हैं, अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए, आंसर बताइए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया गिवेन है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 टर्न्स है, 500 फेरे हैं, एक कोई क्वाइल है जिसकी एरिया गिवेन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 टर्न्स हैं, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवेन है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय तल कुंडली के तल के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके जीरो कर दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पहले जो भी रही होगी और उसको बाद में जीरो कर दिया जाता है, तो EMF इंड्यूस्ड हमको बताना है, आप लोग पहले सॉल्व करिएगा फिर सॉल्यूशन को देखिएगा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाद में जो आप देखिएगा, पहले अपने आप करिए, वीडियो को रोक दीजिए, देखिएगा यहाँ पर गिवन क्या क्या चीज़ है वो चीज़ लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, 500 टर्न्स, एन इज इक्वल टू 500, एन इज इक्वल टू 500, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और ये टाइम डेल्टा टी गिवन है, EMF बताना है, इज इक्वल टू होता है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से माइनस एन डेल्टा फाई बी इंटू ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर थीटा जीरो होता है, यहाँ पर उल्टा है, जब कोई क्वाइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाती है तो थीटा जीरो होता है, और जो है जब पैरेलल रखी जाती है तो थीटा 90 डिग्री होता है, उल्टा है यहाँ पर, जब परपेंडिकुलर की बात किया जाएगा तो थीटा जीरो होगा, और जब पैरेलल की बात की जाएगी तो थीटा 90 डिग्री होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फाई बराबर होता बी इंटू ए अपान डेल्टा टी, मतलब टाइम, ठीक है, एन बी ए अपान डेल्टा टी, यहाँ से देखिएगा इज इक्वल टू माइनस साइन, तभी आप देखिएगा जब ऑप्शन में माइनस में हो, माइनस नहीं है तो छोड़िए उसकी कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एन बी ए अपान डेल्टा टी, एन 500 दिया गया, बी 0.1 दिया गया, ए 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपान डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड दिया गया, 0.1 से 0.1 कैंसिल, ये 20 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, आएगा 5, तो 5 वोल्ट हो जाएगा, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहले अपने आप करिएगा, शीशे की एक गोली किसी श्यान द्रव में मुक्त रूप से गिर रही है, तो प्यारे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के हैं ध्यान रखें, एक जो है गोली है, ठीक है, एक कांच की ग्लास की कोई या स्फेरिकल बॉल है ऐसे समझ लीजिए, किसी विस्कस लिक्विड में जो है फ्रीली गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो बॉल की जो है वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, लिखा है बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है, तीसरा है ऑलवेज कांस्टेंट हमेशा एक जैसा बना रहता है, और जो है नेक्स्ट है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन अटेन्स अ फिक्स्ड वेलोसिटी, मतलब पहले इंक्रीज होता है इसके बाद एक निश्चित वेग से गिरती है, ये आप लोग पहले करिए, टिक करिए, मतलब जो है कोई भी कांच की गोली है किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाता है, तो पूछा गया उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी कि हमेशा एक जैसी रहेगी,
या पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, तो बच्चों जो है कांस्टेंट वेलोसिटी तो मिल ही जाती है, थोड़े समय के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, पहले इंक्रीज होती है, इसके बाद बाद में क्या होता है द्रव के अंदर एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है जिसे सीमांत वेग कहते हैं। इस तरीके से लास्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन आपके सही हों और हर एक सही क्वेश्चन पर प्लस वन नंबर दें, और अगर गलत होता है एक क्वेश्चन गलत होने पर -0.25 की नेगेटिव मार्किंग करें। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने जो है इम्पोर्टेंट जो थे जो हिंदी मीडियम के थे उनको यहाँ पर शामिल कर दिए हैं, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ये 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ, 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम वाटर में मिक्स किया जाता, टेम्परेचर आप मिक्सचर बताइए। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें, 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 50 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर हमको बताना है। पहले तो आप सॉल्व करके आंसर लिखिए, सॉल्व कर लीजिए, पहला ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -10 डिग्री सेल्सियस, चौथा -35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में क्वेश्चन आता ही रहता है, इसको आप सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बर्फ है, बर्फ को जो है 20 डिग्री सेल्सियस के पानी में मिलाया जाता है, तो बर्फ का तो टेम्परेचर वैसे जीरो है, कम है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट लेगा कौन? बर्फ। और हीट देगा कौन? वाटर। हीट लॉस कौन करेगा? वाटर करेगा। तो हीट लॉस्ट निकाल लेंगे और आइस ने कितना हीट गेन किया, हीट गेन्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना ऊष्मा आइस ने लिया, तो आइस देखो दो रूप में ऊष्मा लेगा, पहले तो आइस पिघलेगा, देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर और ये 50 ग्राम वाटर है, 50 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसको इसमें मिक्स किया जाता है, तो ये जो आइस जो है हीट लेगा और ये जो है वाटर जो है हीट देगा, हीट गेन्ड बाई आइस, पहले आइस कितना हीट लेगा, मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो जाता है, सपोज दैट मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा हो जाता है, तो जो आइस हीट लेगा वो पहले तो मेल्ट होने के लिए लेगा, मेल्ट होने के लिए लेगा, तो आइस का जो मास है वो 50 ग्राम है, तो 50 × L लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है 80 कैलोरी पर ग्राम होता, 50 × 80 प्लस पिघल गया, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ पिघल करके 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गया। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है वो थीटा डिग्री सेल्सियस, जो मिक्सचर का टेम्परेचर हमने मान लिया थीटा मान लिया, तो जीरो से थीटा होने पर कितनी हीट लेगा, 50 × 1 × थीटा, ये हीट गेन्ड बाई आइस, और हीट लॉस्ट बाई वाटर, जल ने कितनी ऊष्मा हानि की, तो जल का जो मास है वो 50 है, एस विशिष्ट ऊष्मा 1, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और बाद का टेम्परेचर थीटा हो गया तो घट गया क्योंकि बर्फ डालने पे घट जाएगा, तो 20 माइनस थीटा हीट लॉस निकाल लिया, 50 से 50 सब कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 80 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा इधर लाइए, 2 थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 80, 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा -60, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30, और माइनस में आने का मतलब है भाई अगर बर्फ को पानी में डाल दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था तो बर्फ का ताप वैसे जीरो था, तो माइनस में कहाँ से होगा, नहीं हो सकता, इसका मतलब जब भी कभी ऐसा सॉल्व करने के बाद थीटा मिक्सचर का जो टेम्परेचर है निगेटिव आए तो आपको जो आंसर टिक करना है वो 0 डिग्री सेल्सियस टिक करना है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा ऑप्शन बी, क्योंकि माइनस का टेम्परेचर आ रहा। इसके बाद आप बच्चों जो है आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है,
एक क्वेश्चन 100% आएगा कॉर्नोट इंजन का। एक कॉर्नोट इंजन, ये कॉर्नो इंजन है, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर दिए गए हैं। सोर्स का टेम्परेचर दिया गया, सिंक का, और एफिशिएंसी पूछी गई है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान रखें, कॉर्नो इंजन है, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस है, इनकी एफिशिएंसी बतानी है। तो ये ध्यान रखना, आप सॉल्व करो जल्दी से आप लोग, पहले तो सॉल्व कर लो आंसर बताओ। अब देखिएगा जो है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये T1 है, तो T1 इज इक्वल टू 427 डिग्री सेल्सियस 273 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 427 प्लस 273 ये 700 केल्विन हो जाएगा, और जो T2 हो जाएगा 27 प्लस 273 300 केल्विन, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। अब ईटा इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस T2, T2 का मतलब सिंक का टेम्परेचर, 300 अपॉन T1, ये 700 LCM होगा 700, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 700 माइनस 300 400 अपॉन 700, ये दो जीरो कैंसिल, 4 बाई 7 होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उनको बता रहे हैं, 2 मोल गैस है, मोल दिए गए कितने मोल हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी में चेंज दिया गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -100 जूल, ठीक है, तो वर्क डन की बात की गई, तो आप लोग सॉल्व करिए वर्क डन क्या होगा, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया गया, एडियाबेटिक प्रोसेस दिया गया, वर्क डन हमको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन, 0 है, -100 जूल है, 200 जूल, 100 जूल, क्वेश्चन ये सामने है, सॉल्व करिए आप लोग, इसके बाद सोल्यूशन देखिए। देखो यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात किया गया, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है। आंतरिक ऊर्जा में जो चेंज दिया गया है, यहाँ पर -100 जूल दिया गया है, और प्रक्रम के दौरान वर्क डन हमको बताना है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 कर दो, डेल्टा यू बराबर -W, या W बराबर हो जाएगा -ΔU, और डेल्टा यू की वैल्यू है -100 जूल, यहाँ -100 जूल रखो, माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, तो W बराबर प्लस 100 जूल आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है, ठीक है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है तो यहाँ पर डेल्टा क्यू 0 हो गया, ये डेल्टा यू दिया गया है, और हमें वर्क डन बताना है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहला ऑप्शन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन एंड स्पीड कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, तीसरा है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होते हैं, चौथा ऑप्शन है एक्सेलरेशन एंड स्पीड दोनों कांस्टेंट होते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट फिर से ध्यान रखें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला ऑप्शन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, दूसरा है एक्सेलरेशन एंड स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, थर्ड है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल दोनों वेरिएबल होते हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये, तो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन क्यों चेंज होता है,
यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की ओर है, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। बहुत ये पूछा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, किसी भी मेटैलिक सरफेस से, कोई भी मेटैलिक सरफेस से वहाँ से इलेक्ट्रॉन कब इमिट होंगे, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन के बारे में जो है बताना है। पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, दूसरा ऑप्शन है, मतलब पहला ऑप्शन ये जो इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, किसी भी मेटैलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन तब इमिट होते हैं जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन न्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इज हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा होना चाहिए, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में पाई जाती है, ये आपको बताना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में पाई जाती है, जल्दी से करिए आप लोग। ठीक है, तो बच्चों बहुत पहले बता चुके हैं आप लोगों को सीरीज में कि जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन पराबैंगनी, जो बामर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन, बाकी जो पाश्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, वो सभी जो पाई जाती हैं वो इन्फ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर विजिबल रीजन की बात की गई है तो बामर सीरीज हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग द्योतक है, इसके किसी जो स्टार होते हैं स्टार का जो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, स्टार का जो रंग होता है वो क्या इंडिकेट करता है, पहला ऑप्शन है वेट का, दूसरा है साइज का, तीसरा है डिस्टेंस का, चौथा है टेम्परेचर का। ये क्वेश्चन करा चुके हैं, जल्दी करो आप लोग, किसी न किसी सीरीज में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये जो है टेम्परेचर का होगा, टेम्परेचर ताप का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, मतलब एक कोई कंडक्टर है उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो वाई अक्ष, देखो जो वाई अक्ष जो कि आई को प्रदर्शित करता है, जो वाई एक्सिस है वो आई को डिनोट करता है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वी को डिनोट करेगा, ऐसा कुछ मतलब जो है दिया गया। वाई एक्सिस जो है आई को डिनोट कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो वी को डिनोट कर रहा है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो रेजिस्टेंस बताना है, चालक का रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, जल्दी से करिए आप लोग। रेजिस्टेंस के बारे में टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये दिया गया ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर दिया गया है, करंट को वाई एक्सिस पर दिया गया है, रेजिस्टेंस बताना है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अब देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वी है, ये ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा वो आई अपान वी होगा, आई अपान वी टेन थीटा होता है, बट वी अपान आई आर होता है, तो वन अपान टेन थीटा, तो इसे कहेंगे कॉट थीटा, तो रेजिस्टेंस जो है कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एसी सर्किट में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रिएक्टेंस है। ठीक है, और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम में, इम्पीडेंस बताना है, जल्दी करो, इम्पीडेंस बताना, प्रतिबाधा, ऑप्शन 2 ओम, दूसरा ऑप्शन 10 ओम, तीसरा 14 ओम, चौथा 14√2 ओम। ये जो है कोई अल्टरनेटिंग सर्किट है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रिएक्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट है, तो हमको बताना है इम्पीडेंस। अब सॉल्यूशन देखिए, जेड इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
ये 64 और 36, 100 का वर्गमूल 10, ये हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, कई बार बता चुके हैं, सीरीज आप पढ़िए, कम से कम 10 बार ये हो चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जल्दी करिए, पहला ऑप्शन है एनर्जी का, दूसरा है शक्ति मतलब पावर का, तीसरा है विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एनर्जी की मॉडर्न यूनिट होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा मतलब आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, ओनली किस पर डिपेंड करती है? पहला ऑप्शन है प्रेशर पर, दूसरा है वॉल्यूम पर, तीसरा है टेम्परेचर पर, और चौथा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो इंटरनल एनर्जी जल्दी टिक करिए, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द किसी वस्तु द्वारा कृत कार्य हो सकता, वर्क डन बाय द बॉडी मे बी क्या हो सकता, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा आपका लास्ट, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, वर्क डन मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, 200 वाट दिया गया है पावर, टेलीविज़न की पावर दी गई, 4 घंटे तक ऑपरेट किया जाता है, कितनी जो है यूनिट बिजली खर्च होगी, यूनिट बताना, 200 वाट है, 4 घंटे तक चलाया जाता है, कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, कैलकुलेट करो। अब सोल्यूशन देखो, यूनिट इज इक्वल टू होता वाट इंटू आवर, वाट इंटू घंटा अपान 1000, वाट कितना है 200 × 4, 200 × 4, 800, 800 × 1000.8 यूनिट बिजली खर्च होगी, ऑप्शन सी। घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया क्या है, पहला ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन है एक छद्म बल का मतलब होता है ये स्यूडो फोर्स, और जो चौथा ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ऑप्शन लास्ट सही होगा। ये किसी स्टूडेंट ने जो है अभी हाल में ही जो है हमें भेजा था, तो जो है हमने बताया था कि हम आपको सीरीज में करा देंगे, तो देखिए सीरीज में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल लोलक के लिए टी स्क्वायर, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ पर, एक टी जैसे टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है, अगर टी और एल के बीच ग्राफ पूछा जाए, टी और एल ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन नोट करा दे रहे हैं, टी वर्सेस एल, टी और एल के बीच अगर ग्राफ पूछा जाता है तो पैराबोलिक होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ पूछा जाएगा, टी स्क्वायर और एल के बीच, तो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है, स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। अगर हम लोग टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे ले लें, एल को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो यहाँ वाई लिखो, यहाँ एक्स लिखो, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होता है, तो टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जब टी और एल के बीच, ठीक है जिसने पूछा हो ध्यान से समझ लेना, अगर टी और एल के बीच, ये जो टिक करके बच्चों ने भेजा था ये गलत भेजा था, अगर यहाँ टी और एल होता तो टी और एल होता तो हम लोग क्या करते, पैराबोलिक टिक करते, बट टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान, कोई बॉडी है उसका मास और वेलोसिटी दोनों को ट्वाइस कर दिया जाता है, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों को ट्वाइस किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, पहला ऑप्शन 2 times हो जाएगी,
दूसरा ऑप्शन 4 times, तीसरा है 8 times, चौथा वही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। जल्दी करिए आप लोग। मास और वेलोसिटी दोनों को डबल किया गया और कैनेटिक एनर्जी पूछा गया। चलिए देखते हैं, के इक्वल टू होता हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इससे हाफ से कोई मतलब नहीं, मास को डबल, वेलोसिटी को डबल, डबल का स्क्वायर 4, 2 into 4 कितना होगा 8, 8 times हो जाएगा, ऑप्शन सी।